सभी बुद्धिमान और वैचारिक साथियों का ग्रेट इंडियन लीडर्स अनरीड बुक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अखंड भारत का हत्यारा पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के महान सम्राट चंद्रगुप्त के पौत्र महान अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री तक को इस काम में लगा दिया। सिर्फ सम्राट अशोक के प्रचार की वजह से लगभग सभी एशियाई देशों में बौद्ध धर्म फैल गया। यही कारण रहा कि एशिया के सभी देश में महान अशोक का नाम बड़े आज भी आदर से लिया जाता है। उससे भी आगे जब मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ मगध की गद्दी पर बैठे तब उस समय तक आज का अफगानिस्तान श्रीलंका चीन इंडोनेशिया थाईलैंड कोरिया सभी देश बौद्ध बन चुके थे। सम्राट बृहद्रथ के शासनकाल में ग्रीक शासक मिनिंदर जिसको बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया है ने भारतवर्ष पर आक्रमण की योजना बनाई लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। इस कार्य के लिए मिलिंदर ने सबसे पहले ब्राह्मण गुरुओं से संपर्क साधा और उनसे कहा कि अगर आप भारत विजय में मेरा साथ दे तो मैं भारत विजय के पश्चात में ब्राह्मणों को सत्ता दे दूंगा। ब्राह्मणों ने नमक हरामी और राष्ट्रद्रोह किया तथा भारत पर आक्रमण के लिए एक विदेशी शासक का साथ दिया। सीमा पर स्थित मठों में ब्राह्मण से बौद्ध बने ब्राह्मण पहले से ही घुस गए थे। बौद्ध भिक्षुओं का वेश धरकर मिलिंदर ब्राह्मणों के साथ सैनिक मठों में आकर रहने लगा। हजारों मठों में सैनिकों के साथ साथ हथियार भी छुपा दिए। दूसरी तरफ सम्राट बृहद्रथ की सेना का एक गद्दार सैनिक पुष्यमित्र शुंग जो एक गरीब विधवा ब्राह्मण औरत का पुत्र था और उस पर दया दिखाकर सम्राट बृहद्रथ पढ़ने लिखने का मौका दिया और उसे सेना में सिपाही भी रख लिया था। पुष्यमित्र की सेवा और कर्तव्य निष्ठा से प्रसन्न हो सम्राट ने उसे अपने करीब कर लिया था लेकिन बृहद्रथ ने नहीं जानते थे कि वो अस्तिन में नाग पाल रहे हैं। पुष्यमित्र शुंग अपने षड्यंत्र अनुसार अपनी सेवा के कारण मगध की सेना का सेनापति बन चुका था। बौद्ध मठों में विदेशी सैनिकों का आगमन उसकी नजरों से नहीं छुपा बल्कि पुष्यमित्र इस षड्यंत्र में शामिल था। इस बात का पता किसी तरह जब सम्राट को चला तो वह काफी क्षुब्ध रह गए और पुष्यमित्र शुंग को बुलावा भेजा और पुष्यमित्र शुंग को भी लेकर मठों में पहुंच गए तो वहां यह देखकर हैरान हो गए कि ब्राह्मणों को बहुरूपीय बौद्ध भिक्षु बनकर हथियारों से लैस मठों में जमे पड़े हैं और विदेशी आक्रमणकारी सैनिकों के लिए मदद कर रहे हैं। तब मठों में स्थित सभी विदेशी सैनिकों को पकड़ लिया गया तथा उनको जेल में डाल दिया गया। उनके हथियार कब्जे में कर लिए गए। राष्ट्रद्रोही ब्राह्मणों को भी बंधक बना लिया गया लेकिन सम्राट ने पुष्यमित्र शुंग को माफी मांगने पर माफ कर दिया और यही सबसे बड़ी गलती कर दी। सम्राट ने सोचा शायद पुष्यमित्र शुंग भटका गया था और अब मार्ग पर आ गया है लेकिन हुआ उल्टा। पुष्यमित्र शुंग के दिल में मौर्य सम्राट के खिलाफ नफरत और भी गहरी हो गई और वह अंदर ही अंदर फिर से योजना बनाने लगा। एक बार जब बृहद्रथ सेना का निरीक्षण कर रहे थे उसी समय पीछे से पुष्यमित्र शुंग ने सम्राट बृहद्रथ का सर पीछे से काट दिया और योजना के तहत पुनः छिपे हुए ब्राह्मण सैनिक बाकी के सैनिकों पर टूट पड़े और सेना के अंदर ही ब्राह्मण सैनिक भी पुष्यमित्र शुंग के साथ हो गए और इस तरह सम्राट का अंत हुआ। लेकिन यह पुष्यमित्र शुंग के आतंक का अंत नहीं था। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण सैनिकों के साथ पूरे महल में घुसा
जहां पर उसने गर्भवती रानी को न सिर्फ बारह मारा बल्कि उसका पेट फाड़कर बच्चे को निकाला और उसे मारा। उसके बाद उसने अपना रुख नगर की ओर किया और जहां जहां पर बौद्ध रहते थे वहां कत्लेआम शुरू कर दिया। सभी बौद्ध लोगों की हत्याएं करवाने लगा। छोटे छोटे बच्चों की लाशों को नगर चौक पर टांगा। बात सिर्फ एक नगर तक सीमित नहीं रही। पुष्यमित्र शुंग बौद्ध लोगों से इतनी नफरत करता था कि उसकी जब आंख खुल जाती थी उसी वक्त वह किसी न किसी बस्ती में चला जाता और पागलों की तरह हत्याएं करने लग जाता। यहाँ तक कि अगर कुछ ब्राह्मण कहते कि ये गलत है तो उन ब्राह्मण परिवारों को उसने खत्म कर दिया या उनको सामान्य ब्राह्मणों की श्रेणी से निकालकर उन्हें शूद्रों की श्रेणी में डाल दिया। महर्षि वाल्मीकि उसी श्रेणी में आते हैं। ब्राह्मणों की सत्ता को स्थापित करने के लिए पूरे भारत की एक सभा पाटलिपुत्र में हुई और अपनी सत्ता को चिरस्थायी बनाने के लिए योजनाएं बनाई गई। यह सभा कई महीनों तक चली और इसका सारा खर्चा राज्य ने उठाया और इस सभा में सभा के कुछ निष्कर्ष इस प्रकार निकाले गए। एक बौद्ध लोगों को समाज से बाहर नहीं निकाला जाएगा बल्कि ब्राह्मणों की बनाई वर्ण व्यवस्था के तहत उनको गुलाम बनाया जाए। नंबर दो वर्ण व्यवस्था को भगवान का संदेश बताया जाए। नंबर 3 इन्हें शिक्षा संपत्ति और धन नहीं रखने दिया जाए ताकि इनकी बुद्धि एकदम कुंद हो जाए और ये पूरे जानवर बन जाए। नंबर 4 ईश्वर के ऐसे संदेश तैयार किए जाए जिससे इनकी मानसिक गुलामी सुनिश्चित हो। नंबर 5 भय अंधविश्वास का पुलिंदा इनके दिमागों पर ला दिया जाए। नंबर 6 बौद्ध परिवारों में पैदा होने वाले बच्चों को बचपन से ही इतना मानसिक उत्पीड़ित किया जाए ताकि उनका आत्मविश्वास मर जाए और वो कभी भी विद्रोह की बात सोच ही न सके। इस सभा में मानवीय मनोविज्ञान पर पूरी चर्चा हुई और उसके बाद सिलसिला चालू हुआ दुनिया भर के ऐसे झूठे धार्मिक ग्रंथ लिखने का जिसमें औरतों और शूद्रों को गुलाम रखने की शिक्षा दी गई और इस गुलामी को भगवान की मर्जी और संदेश बताया गया। यह घटना 180 बीसी की है और इसी के बाद और आने वाले सालों भविष्य के कुछ सालों में रामायण मनुस्मृति महाभारत वेदों का अंतिम रूप और पुराण सामने आए। इन ग्रंथों को लिखते वक्त उन्होंने एक होशियारी यह भी की कि इन ग्रंथों में इन्होंने कोई तारीख नहीं लिखी ताकि हमेशा यह कहा जा सके कि ये ग्रंथ भगवान के संदेश है और इन्हें भगवान ने उसी वक्त भेजा जिस वक्त भगवान ने दुनिया बनाई। मानसिक गुलाम बनाने का षड्यंत्र इतना फैलाया गया कि लोग आज भी काल्पनिकता से परिपूर्ण पात्रों को अपना आदर्श मानते हैं और जब कोई तार्किक व्यक्ति कुछ समझाने का या काल्पनिक पात्रों की भूमिका के बारे में संदेह करता है तो यह मानसिक गुलाम बिना बुद्धि लगाए बिना हकीकत की परख के तार्किक व्यक्ति के विरोधी बनकर अनजाने में पुष्यमित्र द्वारा फैलाए गए षड्यंत्र को सफल बनाने का कार्य करते हैं।